कल्पना कीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप देता है और सीबीआई के अफसर केस की जांच के लिए मुंबई जाते हैं और बीएमसी पटना के एसपी विनय तिवारी की तरह उन्हें भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर देती है। ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, महाराष्ट्र में सीबीआई जांच के लिए जाने वाले अफसरों के साथ ऐसा करने की महाराष्ट्र सरकार तैयारी कर चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर का। उन्होंने कहा अगर सीबीआई के अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो क्वारंटीन करने का नियम उन पर भी लागू हो सकता है, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। यदि कोई सीनियर अधिकारी ट्रेवल कर रहा है तो हमको भी पता है कि देश के सभी शहरों में महामारी का कहर है। बीएमसी की मेयर ने कहा कि सीबीआई टीम को बिना परमिशन मुंबई में कदम रखने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा जाएगा। ये बीएमसी का क्या रूल नियम है मुझे मालूम नहीं। अगर बीएमसी का रूल से मुताबिक क्वारंटीन किया है तो आप बीएमसी कमिश्नर और मेयर से पूछना चाहिए। अगर हमारे पुलिस बिहार में कुछ जाते हैं और इस लोगों ने कुछ रूल बनाया है क्वारंटाइन का, उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कोई भी हो, सीबीआई हो, कोई भी। मैं बिहार की बात करता हूँ। अगर वो लोगों ने कुछ रूल बनाया है, किसी स्टेट ने, पश्चिम बंगाल हो, अगर मेडिकल के हिसाब से कुछ रूल बनाया है तो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। आप मुंबई का रूल है, बीएमसी फॉलो करेगी, मैं क्या करूँ। अगर सुशांत केस के लिए मुंबई जाने वाले सीबीआई अधिकारियों को क्वारंटीन कर लिया जाता है तो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि 2018 में शारदा चिटफंड केस में सीबीआई के 40 अफसर पूछताछ के लिए पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को घर के अंदर घुसने से रोक दिया गया। इसके अलावा सीबीआई अधिकारियों को जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाया और थाने ले गए। मामले में केंद्र और बंगाल सरकार में जमकर टकराव हुआ था। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि सुशांत केस को लेकर दो प्रदेश की सरकार या केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में टकराव ना हो, क्योंकि ये स्थिति अपने बेटे को खो चुके सुशांत के परिवार के लिए पीड़ादायक होगी। आपको बता दें कि सुशांत के खाते से हुए 15 करोड़ निकालने के सिंह के आरोपों पर ईडी रिया वो उनके भाई, पिता और उनके मैनेजर से पूछताछ कर रही है। 14 जून को सुशांत का शव मुंबई स्थित उनके फ्लैट में पंखे से लटका मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।